मेरी छोटी सी मेहनत है उसका जो सबसे पहला फल मिला है। मुझे नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो समाज के बीच में मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा। शीशा है क्या ये? कौन है कानू की गर्लफ्रेंड? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी चेहरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिस समय पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। आज है 4th October, अभी सुबह कैसी 7-8 बज रहे हैं और आज है दादाजी का श्राद्ध। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए और अपनी मेमोरी के लिए जरूर से बना लेती हूँ। मैं सूर्य को जल चढ़ाने आई थी और चलो हम फटाफट काम कर लो क्योंकि मेरे नीचे बहुत सारे काम है। अब पंडित जी 11 बजे तक आने वाले हैं इसलिए खाना भी बनाना है। और श्वेता आज अपनी बागवानी की कुछ चीज़ें जो हुई हैं तो श्राद्ध में सब्जी में चढ़ा वो करने के लिए पक जाएगी करके तोड़ने के लिए आई है। देखा, चलो आपको दिखाते हैं। सांस तो ले लो, मैंने एक ही सांस में सब बोल डाला। अरे देर बहुत हो रही थी, मम्मा को नीचे काम करने जाना क्योंकि पंडित जी आने वाले, मतलब अभी टाइम है पंडित जी के आने में, पर काम वाम जो करना है खाना वाना बनाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगी जा रही। घर में जिस इंसान को सबसे ज्यादा ऐसे बागवानी करना, पेड़ पौधों के बीच में रहना जिनको पसंद था, वो थे हमारे दादाजी। तो मैंने सोचा मेरी जो ऐसी छोटी सी मेहनत है उसका जो सबसे पहला फल मिला है वो दादाजी के नाम जरूर होना चाहिए। ऊपर वाले ने ऐसे टाइम पे उन्हें उगाया है कि बस वो दादाजी के श्राद्ध तक के लिए ही बस इतने बड़े हुए हैं। तो ये है वो बैगन, तो श्राद्धों में खाते नहीं है। ये सेम हो रहा है अभी, तो वैसे बच्चा ही है और अभी मेरे को पता भी नहीं कि ये तोड़ते हैं कि मतलब श्राद्ध में यूज होता है या नहीं होता है। बहुत से सेम लग रहे हैं अभी छोटे छोटे। एक ये मेरे बिन बेल की तुरई लगी हुई है बनाने के लिए। पुदीना भी तोड़ लेते हैं। मम्मा अभी तोड़ो, कैसे हो जाएगा? थोड़ा हम बाजार का उसमें मिला देंगे वैसे। हाँ मतलब कौन सा जो मेरी इतनी बड़ी बागवानी हो रही है। तो पुदीना और बीन तोड़ ली है, अब थोड़ी बहुत मिर्च लगी है तो वो भी तोड़ लेते हैं। ये रही भिंडी, भिंडी डालते हैं? डालते हैं लेकिन नहीं तोड़ते। ये भिंडी तोड़ते नहीं है मतलब, अब आज के तोड़ना सब एक साथ हो जाएगी कानों के लिए। एक वो है सब्जी, भिंडी, बहुत सारी भिंडियां भी लग रही है। मतलब ऐसे छोटा सा बस अपने शौक के लिए मैंने किया था। तो मैंने छोटे छोटे से अरबी के पत्ते भी तोड़ लिए हैं, 4 पत्ते। तो चलो अब नीचे चलते हैं। तो ये है वो छोटा सा पोर्शन जो इतनी सारी सब्जियों में, ये और यहाँ नीचे भी है, इन सारी सब्जियों में एक छोटा सा पोर्शन मेरी तरफ से। यहाँ पे मम्मी तैयारी में लग गई है रायता बनाने की। 9 बज चुके हैं और मैंने सब्जी चढ़ा दी है, चाची आटा गूंद रही है। यहाँ पे पंडित जी के आने में अभी 2 घंटे है, आराम से सारे काम हो जाएंगे। ये दाल अभी खाली उबली है, इसमें तड़का मारना है। और ये रही सब्जी, सब्जी बन चुकी है। ये रहा रायता, और ये भी तैयार है उधर। ये खीर बन रही है, इसमें चावल बन गया अब उसके लिए, पिंडों के लिए। और अभी बड़े बनने की तैयारी है, बड़े अभी वो कर रखे हैं। चटनी, ये रही चटनी। और ये देखिए ड्राई फ्रूट कर रही है खीर में डालने के लिए, ड्राई फ्रूट कतरे जा रहे हैं। इतना ही काम है घर के, इतना ही काम है। नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा बर्तन वर्तन धो गई है, पहले बर्तन हम यहाँ से हटा चुके हैं, ये कर गई है, तेल खाली कर दिया उसने, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखो यहाँ सब काम चल रहा है, सारा काम लगभग हो ही चुका है। ये रही मम्मा। आप लोगों को मम्मा की ब्लॉगिंग कैसी लगी ये भी जरूर बताना। आजकल लोग गर्मी में स्वेटर पहन के, क्योंकि कहते हैं कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो शुद्ध होते हैं, इसलिए ऐसे टाइम पे ऐसे ही कपड़े पहन के खाना वाना बनाया जाता है। श्राद्ध में मतलब जैसे पवित्र काम होते हैं उनमें ऐसे पवित्र कपड़े पहन के किया जाता है। थोड़े बहुत है काम जो मेरे लायक है, जैसे ड्रॉइंग रूम को थोड़ा सा ऐसे ठीक ठाक करना है। वैसे ठीक हो रहा है, बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना है, क्योंकि चलो करते हैं यार हर चीज में क्योंकि क्या होता है। यहाँ आई, मैंने कहा ड्राइंग रूम थोड़ा सही कर देती हूँ, और यहाँ हमारे भ्राताश्री लगे हुए काम वाम में। हेलो भ्राताश्री। मैं इतनी महान हूँ, मैंने चटनी बनाई और उसमें पुदीना और धनिया, जो पुदीना मैं छत से लेके आई थी वो डाला, और बाकी डालना भूल गई थी, तो अब मम्मा ने पीस दिया है। हमारे इस गृह कार्य और बाहर के सभी कार्यों में कुशल बालक के लिए कन्या अगर हो तो कोई बताइए। देखिए हर कार्य में कुशल है हमारे भ्राताश्री। आप लोगों को आ रही है इसकी आवाज है, क्या बोल रहा है? अगर नहीं आ रही है तो ये बोल रहा है कि हर साल ये मेरा काम होता है। वैसे तो मैं रोज ही करता हूँ लेकिन रोज मैं दिखाता नहीं हूँ, इसलिए आज ये मतलब मैं दिखा दे रही हूँ जबरदस्ती का, ये दिखाना नहीं चाहता था मैं तो। अरे अरे मैं तो
अरे मैं दिखाना नहीं, पोछा लगाते लगाते भी बिल्कुल जो अपने बॉयस हैं दिखाने हो रहे हैं, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। तभी तो हल्के बोल रहा हूँ। अच्छा, वरना वो बोल देगी कि ऐसा क्यों बोला कि गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, मुझे नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो समाज के बीच में मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये सब मजाक है, आए हम भाई बहनों में मजाक चलता रहता है, ये नहीं कि कोई हमारा ही कोई रिश्तेदार आके कमेंट कर रहा है अरे कौन है कानू की गर्लफ्रेंड। ये हैं हमारे दादाजी जिनका श्राद्ध है, ये रही मम्मी इंतजार में बैठी है तब से, पंडित जी के पंडित जी आ नहीं रहे, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो श्राद्ध संपन्न हो चुका है, ये जितना भी सब पितरों के नाम का था वो सब अब गौ माता को खिलाया जाएगा। सबका खाना पीना हो चुका है, अब हम बैठे हैं यहाँ पे खाने, चाची मैं और ये रही मम्मा, बाकी किसी का खाना खाते हुए मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं ही खाना पसंद रही थी फटाफट फटाफट सबको। तो ये रहा मेरा खाना, अभी इसमें दाल और चावल और खीर, ये तीन चीज़ें नहीं है। तो हो गया सारा काम, हम बर्तन सारे धुल चुके हैं, यहाँ मम्मा सूखने के लिए रख रही है खड़खड़ खड़खड़ करते हुए। अब सबसे मेन जो टास्क है वो है जो बचा हुआ खाना है उसको फ्रिज में संभालना, जो कि फ्रिज में हमारी के लिए जगह ही नहीं होती, समझ नहीं आता कि कैसे फ्रिज में चीज़ों को संभाला जाए। हम सब ने तो खा लिया है, सारा काम हो गया है, अब बारी है चिड़ियाओं को भी खाना डाल देती हूँ। सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं हुआ बिल्कुल, तो ये चावल है चिड़ियाओं के लिए। तो हम लोग आ गए हैं छत में, वैसे हम डेली शाम को 6:30-7 बजे के करीब छत में आते हैं, लेकिन आज कुछ काम ही नहीं था तो आज अभी 5:30-6 ऐसी हो रहा है, तो हम जल्दी आ गए छत पे। यहाँ कानू भी है, वहाँ पेड़ पौधों के साथ पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, मम्मा बैठ गई है, हमने देखा थोड़ी देर पहले, मैं जब धूप आ रही थी मैं तभी पानी डाल गई थी, जबरदस्ती का पानी डाल रहा है ये आप लोगों को दिखाने के लिए। अरे अभी शीशा है क्या ये, सूरज ढल रहा है, कितना कहाँ गया, ढलते ढलते गायब हो गया वो, देखो कहाँ गया। इतने महीनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ ना, मेरे हाथ में इतनी दर्द हो गई है, कानू को जिम जाए से इतनी दर्द नहीं हो रही होगी जितना सुबह से ब्लॉगिंग करते करते मेरा हाथ दर्द हो गया। बताना जरूरी है, साला हर चीज नजर लगती है। मैं आप लोगों को उस वक्त ये बता रही थी कि और दिनों हम आते हैं 6:30-7 बजे छत में, लेकिन आज हमारे पास कोई काम नहीं था क्योंकि इतना सारा खाना सुबह से बचा हुआ है, मतलब दिन से खा के बचा हुआ है, तो इसलिए आज कुछ काम करना नहीं। वो 1 अक्टूबर को श्रमदान करना था ना, तो उस दिन जा नहीं पाया था, जिम चला गया था उस दिन तो जा नहीं पाया था, इसलिए यही इसका श्रमदान चल रहा है। अरे यार, हद हो गया, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, तू दिखा दे रही है लोगों को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है एकदम ब्रांड न्यू डे और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे खाना वाना बन रहा है, ये बन रही है हमारी चने की दाल, चने और लौकी की दाल, और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, सब्जी मम्मा बना चुकी है, तो मम्मा भी आ चुकी है। हेलो मम्मा, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। और 2 दिन से कहाँ गायब थे, मिले क्यों नहीं आप इन लोगों से, 2 दिन, अब 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, ये क्या बदतमीजी है। तो मिलाते, मैं कहाँ मिल रही हूँ, मैं कहाँ ब्लॉग बना रही हूँ, मैं जिस दिन बनाना शुरू करूंगी ना फिर देखना डेली ब्लॉग आएगा, तो बनाओ भी शुरू कर, रोक रखा है, शुरू करूंगी ना, बिल्कुल मेरे को धमकी दे रही है, शुरू करूंगी ना देख लेना, करो फिर।
रहे हैं करो, उन लोगों के तो मैसेज आते हैं अरे डेली व्लॉगिंग करो। हमें तो डेली व्लॉगिंग करने में भी ऐसा होता है कि मैं पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि आसपास की आवाजें बंद हो और वो बंद ही नहीं। मैं पोछा लगाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद खाना ना खाएंगे। तो पोछा तो हमें कानू लगाया करता था। तो लगाता है, वो भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब अटक बिटक या कोई ऐसी बात हो तो करता है, लेकिन आज मैं करूँगी भी, उसके बाद फिर हम खाने की तैयारी। मम्मी ने तो बिल्कुल ऐसे किया जैसे हमारी लड़की बहुत सुशील है, करती है वो काम, करती है तो लड़के वालों के सामने वो कर रही होगी प्रेज। बिल्कुल आजकल जरूरत नहीं पड़ती अपनी लड़कियों की तारीफ करने की, लड़कों की तारीफ करनी पड़ी है, लेकिन हमें अपने लड़कों की, लड़के की भी जरूरत नहीं है तारीफ करने की। बस मम्मी बस हो गया हो गया, ये ब्लॉग आपके लड़के की तारीफ के लिए नहीं बना है, शुरू से इस ब्लॉग में बस यही चल रहा है। अगला ब्लॉग बनेगा लड़के की तारीफ की। किसी को नहीं सुननी है यार, मम्मी को बोल दो नहीं सुननी है आप लोगों को मम्मी के लड़के की तारीफ। मम्मी चलती पोछा लगाने, मैं भी करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म, वरना मम्मी फिर से आएगी और अरे मेरा लड़का तो ऐसा करता है, फिर तो तारीफ में लग जाएगी मम्मी। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अब हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और ये ब्लॉग जिस जिसको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक ले वी लव यू ऑल, बाय बाय।